दर्शकों नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। मैं आज आपको एक अपराध से जुड़ी खबर जो है वो सुनाने जा रहा हूं कि सूरवीरों की धरती रामगढ़ को लगी अपराध की नज़र। आज शुक्रवार को सुबह सवेरे तेज दार हथियारों से लैस कुछ बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया, जिसमें युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे पहले कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ में पहुंचाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बेहतर उपचार के लिए जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया, जहां से परिवीजन जो है उसे बेहतर उपचार के लिए पंजाब के अमृतसर में किसी निजी अस्पताल में ले गए हैं। मैं आपको बता दूँ कि घायल युवक की पहचान जो है साहिल शर्मा उर्फ दिलका निवासी गुड़ा मोड़ विजयपुर के रूप में हुई है और कुछ बदमाश जो थे सुबह रामगढ़ थाना अधिकार क्षेत्र है सजागपुर गांव है वहां पर पहले ही गात लगाकर बैठे थे और जैसे ही साहिल शर्मा वहां से गुजरा तो उन्होंने उसका रास्ता रोका और तेज धार हथियारों से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसकी बाजू टांगों पर तेज धार हथियारों से वार किए गए और उसे गंभीर अवस्था में जो है वो पहले रामगढ़ अस्पताल में पहुंचाया गया, फिर जम्मू से उसे परिजन जो है वो बेहतर उपचार के लिए पंजाब में लेके। मैं आपको बता दूं कि जिस युवक पर हमला हुआ है साहिल शर्मा पर उसकी भी आपराधिक पृष्ठभूमि रही है और उस पर भी कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिन बदमाशों ने उसके ऊपर हमला किया वो पहले ही कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। पिंडी कठार का एक युवक जिसका नाम गायल ने बताया है रमन कुमार, वो इस सारे हमले का जो मास्टरमाइंड है वो बताया जा रहा है और कुछ स्थानीय बदमाश जो है युवक जो है वो भी इस हमले में शामिल थे और ये भी जानकारी मिली है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार और वहाँ पर फायर जो है वो भी किया गया है। रामगढ़ पुलिस मामले की जांच कर रही है कि फायर किस गुट ने किया था और पूरी छानबीन जो है की जा रही है, ताबड़तोड़ छापेमारी जो है वो पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए की जा रही है। मैं आपको इसके साथ ये भी बताता हूँ कि ये ऐसा मामला लग रहा है कि कहीं ये गैंग वार ना हो, क्योंकि दो गुट बताए जा रहे हैं, एक गुट जो बाहर का सरगना चला रहा है और कुछ जो स्थानीय युवा है जो इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है उनका गुट है। दोनों में यहाँ पर काफ़ी देर से तसर चल रही है और यही मुख्य कारण है। इससे पहले भी दोनों गुटों में आपस में एक दूसरे पर हमले किए हैं और यही मुख्य कारण रहा कि आज दोबारा जो गुट है जो बाहरी पिंडी कठार के क्षेत्र से लड़का जो रमन बताया जा रहा है वो मुख्य सरगना है और उसी ग्रुप ने आज जो है वो साहिल शर्मा पर गांव सजायतपुर में जानलेवा हमला किया है और गंभीर रूप से घायल साहिल शर्मा को बेहतर उपचार के लिए परिजन जो है वो पंजाब के अमृतसर में ले गए हैं।